अरे हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें क्यों कार्बन के बारे में ही पढ़ाई करनी पड़ती है, क्यों मतलब कार्बन ही ऐसे एलिमेंट है जो अपनी लिंकिंग प्रॉपर्टी या फिर इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में बातें कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस मेरी आपको मिलती रहे। तो आइए बातें करते हैं। आईपीएससी नॉमिनक्लेचर मैंने स्टार्ट किया था, तो दोस्तों बातें करते हैं कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बातें करते हैं, टेट्रावेलेंट नेचर। कार्बन के पास जो होता है वो टेट्रावेलेंट नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है। पहली बात तो मैं बताता हूँ कि वांट ऑफ और लेबल। ठीक है दोस्तों, तो वांट हॉफ और लेबल ने बताया था कि कार्बन के पास चार वैलेंसीज होती हैं, कार्बन के पास टोटल चार वैलेंसीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होता है, टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो वांट हॉफ और लेबल हैं, ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको रटना पड़ेगा, वांट हॉफ और लेबल को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये मैं आपको बताता हूँ, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, इसके पास चार वैलेंसीज होती हैं, चार वैलेंसीज होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कार्बन की मैं चारों वैलेंसीज ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया है कि कार्बन की ये जो चारों वैलेंसी होती हैं, चारों वैलेंसी होती हैं, ये टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, ये बताया था वांट हॉफ और लेवल ने, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होती हैं, इसलिए मैं आपको चारों वैलेंसी ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर आप इनको मिला दें, इनके कोनों को ऐसे मिला दें, तो ये आपको एक टेट्राहेड्रल शेप में नजर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होती हैं वो टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कार्बन के चारों बॉन्ड है ना दोस्तों, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन इस समय इसके पास चार बॉन्ड है, तो इसने चार वैलेंसीज है, टेट्रावेलेंट है, ये टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड है इसकी चारों वैलेंसीज, तो ये इस समय सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक है, और आपकी पाई बॉन्ड भी बनाता है कार्बन। जैसे मान लो आपको एलिमेंट ले लेता हूं मैं, कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे बी ले लिया, बी से सी को लिंक किया। ठीक है, बी ले लिया, बी को सी से लिंक किया, सी को डी से लिंक किया, तो मैं आपको ये बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सी और डी के बीच में डबल बॉन्ड है, ये बी ए बी जो भी मतलब सी से ए जोड़ दिया, ए बी सी डी जो भी है, इसको हम कार्बन मान रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के पास बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे दिखा देता हूं, ये जैसे मान लीजिए कार्बन ही ले लीजिए, डायरेक्ट कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, कार्बन के पास ये ऐसे चार बॉन्ड नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते दोस्तों, कार्बन कभी भी चार बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, कोई कार्बन क्या कोई भी एलिमेंट कभी भी चार बॉन्ड, चारों वैलेंसीज एक ही एटम से नहीं जुड़ सकता, एक ही एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये चार बॉन्ड तो कभी नहीं बन सकते, एक बॉन्ड बनता है, दो बॉन्ड बनता है, तीन बॉन्ड होता है। जो पहला बॉन्ड बना है इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, जो दो बॉन्ड बने हैं इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और जो ये तीन बॉन्ड बने हैं ना दोस्तों, ये जो आपको तीन बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, ये तीन बॉन्ड दोस्तों, इसमें एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो दोस्तों ये होगी आपकी टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है, तो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज होगी, कैटिनेशन पावर और टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है दोस्तों, तो मैं कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है, मैं उसके अगली वीडियो में अगली वीडियो में अपने कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।